अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल में जिसका नाम है लव लिटरेचर एंड मोटिवेशन। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए फिर से मैं एक न्यू वीडियो लेके आया हूं जो कि बहुत ही खास वीडियो है और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कमेंट्स में कुछ लोगों ने पूछा भी था कि सर हमारा 12th का एग्जाम हो चुका है तो आफ्टर दैट हम क्या करें। तो फ्रेंड्स, जो आज की वीडियो है स्पेशली जो करियर काउंसलिंग होती है कि आफ्टर 12th आप क्या करोगे, उसके ऊपर मैं कंटिन्यू 4 से 5 पार्ट्स में वीडियो लेके आऊंगा और आज जो है करियर काउंसलिंग के लिए फर्स्ट पार्ट है। मार्च के बाद ही जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज एडमिशन के लिए गुलजार होने लग जाते हैं और होता क्या है यहाँ पे फ्रेंड्स कि जो जिन स्टूडेंट के 90% तक मार्क्स आते हैं, 90% एवर मार्क्स होते हैं, वो कॉलेजेस में सबसे पहले जाकर एडमिशन ले लेते हैं और जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स थोड़े कम होते हैं वो एडमिशन अच्छे कॉलेजेस में नहीं ले पाते और फिर एट लास्ट वो किसी फर्जी कॉलेज में या फिर मतलब ठीक ठाक कॉलेज में एडमिशन वो नहीं ले पाते हैं और किसी गलत कॉलेज के चक्कर में वो फंस जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा उनको फीस उसका प्रॉब्लम होता है। सो फ्रेंड्स, इन ये सारी प्रॉब्लम ना हो इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए करियर काउंसलिंग लेके आया हूँ। आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि कौन सा कॉलेज सही है और कौन सा कॉलेज गलत है और मैं कोर्सेज के बारे में भी बताऊँगा। रिसेंटली CBSE ने एक बुकलेट रिलीज़ की है जिसमें एकेडमिक कोर्स आफ्टर 12th व्हाट विल यू डू, उसमें सारे डिटेल्स है और आई थिंक वो 122 पेजेस का बुकलेट है। उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल दे रखा है, कोर्स का डिटेल दे रखा है, वो कोर्स आप कौन से कॉलेज से कर सकते हैं, वो कॉलेज कहाँ पे है। तो जो मैं CBSE ने जो बुकलेट रिलीज़ की है, मैं उसका जो लिंक है उसका PDF है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और स्पेशली जो 12th के स्टूडेंट्स हैं वो उनको ये PDF खोल कर देखना चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। फ्रेंड्स, जो आज की वीडियो है मैं ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, आप लोगों को डायरेक्टली मैं बताना चाहता हूँ कि आज की वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ। आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना बताऊँगा कि डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स में क्या डिफरेंस होता है। फ्रेंड्स, जो 12th में आ जाते हैं स्टूडेंट उनको पता नहीं रहता कि ये जो तीनों चीज़ है, डिप्लोमा, डिग्री और सर्टिफिकेट कोर्स, होता क्या क्या है, कितने साल का होता है, इसमें कौन सी पढ़ाई होती है, पता नहीं होता। इवन जो कॉलेज कर लेते हैं जो स्टूडेंट उनको भी पता नहीं चल पाता। सो बेसिकली जो आज की वीडियो होगी ये डिफरेंस होंगे तीनों कोर्सेज में क्या डिफरेंस होते हैं और जो नेक्स्ट वीडियो में होगा बाकी और चीज़ें होगा। सो फ्रेंड्स, और एक चीज़ और मैं बता दूँ कि इंडिया में जो कितने यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो कुछ डेटा है मेरे पास जो 31st मार्च 2019 तक का जो डेटा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया में कितनी यूनिवर्सिटीज़ है। फ्रेंड्स, जो स्टेट में 399 यूनिवर्सिटीज़ है और बाकी जो डिम्ड यूनिवर्सिटी होती है वो फ्रेंड्स 126 है और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो 48 है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ फ्रेंड्स जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, JNU हो गई, अम्बेडकर यूनिवर्सिटीज़ हो गई, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटीज़ हो गई। सो फ्रेंड्स, ये जो सारे बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती है। सो ये 48 यूनिवर्सिटीज़ है ऑल ओवर इंडिया में। और फ्रेंड्स, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है जो कि ज़्यादातर खासतर MBA इंजीनियरिंग के लिए होती है। सो फ्रेंड्स, ये भी 334 है। जो ओवरऑल अगर हम यूनिवर्सिटीज़ देखा जाए जो स्टेट में हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है, सेंट्रल लेवल पे है या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, सो 31st मार्च 2019 तक इसका जो कैलकुलेशन है टोटल 907 यूनिवर्सिटीज़ है इंडिया में प्रेजेंट है अभी। सो फ्रेंड्स, ये कुछ डाटा हो गया जो आपके साथ शेयर किया। अब मैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं डिफरेंस बता देता हूँ आपको कि डिफरेंस क्या है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं सर्टिफिकेट के बारे में बताना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, सर्टिफिकेट किसी पर्टिकुलर फील्ड में आपकी स्किल बढ़ाने के लिए किया जाता है। अमूमन सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो एक नाम है, किसी एक पर्टिकुलर आपके फील्ड में स्किल्स बढ़ाने के लिए काम किया जाता है जो सर्टिफिकेट कोर्स होता है। जैसे कि अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज़ में आपकी स्किल है तो उसमें आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं और गवर्नमेंट के द्वारा आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। फ्रेंड्स, जो कितने टाइम के लिए सर्टिफिकेट कोर्स होता है, फ्रेंड्स 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक होता है और ये कोई बड़े बड़े जो डिग्री कॉलेज होते हैं वो भी ये कोर्सेज को करवाती हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो है सर्टिफिकेट कोर्स हो गया। और जो ये सर्टिफिकेट होता है कौन देता है,
वोकेशनल और टेक्निकल स्कूल और कॉलेजेस आदि ये सब देते हैं। फ्रेंड्स जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट है डिप्लोमा, जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। फ्रेंड्स जो डिप्लोमा कोर्स है ये भी काफ़ी हद तक सर्टिफिकेट कोर्स से ही मैच करता है और ये भी किसी पर्टिकुलर फील्ड में स्किल्स बढ़ाने का काम करता है, बट इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 1 ईयर से 2 ईयर तक होता है। और जो इसके सर्टिफिकेट, जो इसके डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट होता है, जो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होता है कौन देता है? वोकेशनल और टेक्निकल और कॉलेज स्कूल और हॉस्पिटल से भी मिलता है जो इसका डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होता है। फ्रेंड्स जो नेक्स्ट आता है, जो नेक्स्ट है वो डिग्री है, जो डिग्री कोर्सेज होता है। फ्रेंड जो डिग्री होती है वो कई तरह की होती है, जैसे कि बैचलर डिग्री होती है, जो बैचलर डिग्री होती है 3 से 4 ईयर तक होती है, और उसके बाद फिर मास्टर डिग्री होती है जो कि टू ईयर से फोर ईयर तक कर सकते हैं आप। और जो PhD डिग्री होती है, PhD जो होती है जो 4 ईयर से 5 ईयर तक आप कर सकते हो की होती है। और जो डॉक्टर होती है, जो डॉक्टर की डिग्री होती है वो 4 से 5 साल की होती है। जो ये सारी डिग्री होती है ये मान्यता प्राप्त जो यूनिवर्सिटीज़ होती है, कॉलेजेस होती है, उसके द्वारा ही ये जो डिग्री कोर्सेज दिया जा सकता है। फ्रेंड्स ये जो वीडियो आज की थी ये बेसिकली डिफरेंस जो थी कि डिप्लोमा में, सर्टिफिकेट में और डिग्री कोर्सेज में क्या डिफरेंस है। सो फ्रेंड्स ये डिफरेंस था और ये ईयर था, मतलब कितने ईयर का आप कर सकते हो। सो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों के वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर कुछ कमी रह गई होगी तो आप कमेंट करके बताना और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना।